29 मार्च को इनका बर्थडे होता है, तो उस दिन देखना कि कितने केक काटे जाते हैं। तुम्मा पैंदियां पूरियां 29 मार्च नू। और हेलो गाइस, तो गाइस वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं पुराना खून सॉन्ग बाय दर्शन जी, दर्शन लखेवाला। ये है मान साहब जी को डेडिकेटेड। Yes. और इसमें लिरिक्स हैं टिंकू कमालपुरा, म्यूजिक है विक्टर कंबोज, पोस्टर बाय जस्सी। अच्छा ऑडियो सॉन्ग होगा फिर। हाँ। और शायद हो सकता है मान साहब जी की कुछ क्लिप्स हो। तो पुराना खुंड मतलब नहीं पता, आप कमेंट्स में बता देना पुराना खुंड का क्या मतलब है। तो गाइस सुनते हैं पुराना खुंड बाय दर्शन लखेवाला। 29 मार्च को होता है ना मान साहब का बर्थडे, 28 मार्च को। तो ये 2021 में आया हुआ है। हाँ। 28 मार्च को ही आया जी, 28 मार्च को आया है, तो ये मतलब बर्थडे पे डेडिकेट किया होगा है ना। तो ठीक है, सही है। हैप्पी बर्थडे सारे फैना वालों। वाह उस्ताद बबू मान जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। BM आर्मी लिखा हुआ है। हीरा कदे भी कौडी दे पा विकदा नी, मैं बिना वजह तो गल कदे कोई लिखदा नी। हीरा कदे भी कौडी दे पा विकदा नी, मैं बिना वजह तो गल कदे। कौडी मतलब कौडी यार, कौडियां दे पा मतलब जिसका रेट बहुत कम हो। हीरा मतलब कौडियां दे पा कोई रेट ही ना हो। ऐसे तो बिकता नहीं हीरा, तो बहुत महंगी चीज है ना। कोई लिखदा नहीं हो, गप्पां विच रब थल्ले लाउणा सौखा है, पर पता खेडदा लगदा विच मैदान कुड़े। वाह। गाउण वाले तां वैसे सारे चंगे ने, पर खुंड पुराना बैठा बब्बू मान कुड़े। कमाल। गाउण वाले तां वैसे सारे चंगे ने, पर खुंड पुराना बैठा बब्बू मान कुड़े। रग दे विच वसिया नेरा संगीत दिसे, बड़े सुन चुके आं पर ओदे जिहा ना गीत दिसे। ओ जिदी रग रग दे विच वसिया नेरा संगीत दिसे, बड़े सुन चुके आं पर ओदे जिहा ना गीत दिसे। पंजाब लई हर मुद्दे ते ओ गा चुकिया, ताइयों ता सारी दुनिया करदी माण कुड़े। गाउण वाले तां वैसे सारे चंगे ने, पर खुंड पुराना बैठा बब्बू मान कुड़े। गाउण वाले तां वैसे सारे चंगे ने, पर खुंड पुराना बैठा बब्बू मान कुड़े। हो 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 शान कुड़े। गाउण वाले तां वैसे सारे चंगे ने, पर खुंड पुराना बैठा बब्बू मान कुड़े। गाउण वाले तां वैसे सारे चंगे ने, पर खुंड पुराना बैठा बब्बू मान कुड़े।
हमें खुंड पुराना का मतलब यही कह सकते हैं कि बहुत देर से यही मान साहब जी चल रहे हैं खुंड पुराना। अब ऐसा भी कह सकते हैं मतलब कोई लेजेंड को बोला, या जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, सब अच्छे हैं, पर जैसे बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वैसे गोल्ड शायद कि मान साहब हीरा गोल्ड डायमंड वैसे है ना। मर्जी दा मालिक ना पैसा बिच विकदा है, कमाल पुरिया टेंकू ओदे बारे लिखदा है। 29 मार्च नूं केक बिकते जांदे आ ते चारे पासे पहचानदा कसमान कुड़े, गाउण वाले तां वैसे सारे चंगे ने पर खुंड पुराना बैठा बब्बू मान कुड़े, वैसे सारे चंगे ने पर खंड पुराना बैठा बब्बू मार कुड़े। हाय दर्शन लखे वाला फिदा तेरी सोच अवली तो कदेरी सनी होनी तेरी लल्ली छल्ली तो। हाँ दर्शन लखे वाला फिदा तेरी सोच अवली तो कदेरी सनी होनी तेरी लल्ली छल्ली तो। सो बाकी सारे फैना वालों उस्ताद बब्बू मान जी हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ यार कितना जो लाइंस थी कितनी मीनिंगफुल थी, क्योंकि पूरा ना ध्यान वही था कि मान साहब जी के लिए ये लाइन बोल दी, अब नेक्स्ट लाइन कौन सी बोलेंगे। ठीक है, मान साहब की जो भी क्वालिटीज हैं जिस वजह से इतने लोग फैन हैं इनके, वो सब दर्शन लखे वाला जी ने बता दिए। और जो हुक लाइन थी, क्या कॉम्पोजिशन थी यार, मजा आ रहा था सुनने में। मजा आ रहा था बिल्कुल। और जैसे कि बोल सकते हैं एक लड़की को बोल रहे हैं कि बब्बू मान जी के गाने गौर से सुन के देख, जब उनका कोई लाइव शो होता है वो देख कितने लोग होते हैं वहाँ पे, और जब 29 मार्च को इनका बर्थडे होता है तो उस दिन देखना कि कितने केक काटे जाते हैं। तुम्मा पैंदियाँ पूरियाँ 29 मार्च नूं। और बाकी मतलब जो मान साहब जी की क्वालिटीज हैं, जिस चीज़ के लिए सब फैन है, सोच वाली है, हर विषय पे गाने लिखे हुए हैं, वो सब कुछ बहुत सही बताया दर्शन जी ने। अच्छा, मुझे ये लाइन ना बहुत ही बढ़िया लगी कि मतलब हर विषय ते गाने लिखे गए ने पंजाब दे लई, ता ही सारा पंजाब इन्हां ते मान करदा है। मान करदा है। बहुत बढ़िया कॉम्पोजिशन थी वहां पे। मान साहब जी जब भी लाइव आते हैं, हाँ, मतलब फैंस जो मान साहब जी के फैंस हैं उन्होंने सब तो देखा ही होगा कि मान साहब हमेशा लाइव आते हैं या कोई वीडियो में सबको सबका वो करते हैं अभिनंदन। हाँ। तो ऐसे बोलते हैं कि मैं तुहाडा बब्बू तुसी मेरा मान। हाँ, हर बार यही बोलते हैं, यही बोलते हैं। स्टाइल ही अलग है, जैसे इन्होंने बोला अवल्ला, अवल्ली सोच है, अवल्ला स्टाइल है, सब कुछ ही अवल्ला है यार, बहुत ही डिफरेंट है बब्बू मान जी, सबसे डिफरेंट है यार। हाँ, और टैटूज इतने बने हुए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, और गाने तो अभी हमें कमेंट्स में पता लग रहे हैं कि इतने इतने गाने भी बने हुए हैं, अभी और भी होंगे। जितने गाने हमें कमेंट्स में आ रहे हैं मान साहब जी को डेडिकेटेड है, हम वो सारे सुन ही रहे हैं। हाँ। ठीक है, और आगे और भी होंगे, लोग बताएंगे कमेंट्स में। हाँ। पक्का। और बढ़िया भी है ना, अगर हम रिएक्शन वीडियोस ना बनाते तो हम ये फैंस के सॉन्ग सुन ही नहीं पाते, हमें जो डेडिकेटेड जो डेडिकेटेड सॉन्ग है बब्बू मान जी को वो हम सुन ही नहीं पाते, क्योंकि हमें बताने वाला ही नहीं कोई होता यार। क्या मतलब क्या बात है, इसमें दर्शन लखेवाल जी का अपना प्यार, और उन्होंने ये स्टार्टिंग में ये भी बोला था कि फैंस की तरफ से जैसे बर्थडे विश किया था, ये गाना भी एंडिंग में भी किया था, ये गाना भी सब फैंस की तरफ से ही है, क्योंकि ये फीलिंग तो सब फैंस की होगी, सब फैंस की है बिल्कुल, है ना। और बहुत सही सही लिरिक्स लिखे हुए थे। हाँ। बहुत एक तरह से बहुत सही सफाई से गाना लिखा गाया, इतना सुंदर
कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ वो मान साहब जी की लेजेंडरी है एक, उसको थोड़ी अपने तरीके से कंपोज करके वो हो कितना सही लग रहा था। बिल्कुल। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, इतने सजेशंस देने के लिए। क्या गाइज, फिर करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।